लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की मदद के लिए कई सामाजिक संस्थाएं मदद का हाथ बढ़ा रही हैं। राजधानी के पंचवटी स्थित आदर्श स्कूल में प्रवासियों के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कर्मचारियों की ओर से नाश्ते और भोजन का प्रबंध किया जा रहा है। अजमेरी गेट कार्यालय में कार्यरत अधिशासी अभियंता राजेश गुप्ता और जैन संजय बाजरा हर्षित कुमार की ओर से शेल्टर होम में ठहरे हुए लोगों को प्रतिदिन सुबह का नाश्ता और खाने की सामग्री दी जा रही है। पिछले 25 दिनों से जारी इस मुहिम में बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। हमारे बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता अजमेरी गेट से राजेश गुप्ता जी के नेतृत्व में ये मुहिम लगभग 25 दिन से चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत इसमें हमारे कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी एवं उनके कुछ मित्र एवं रिश्तेदार शामिल हैं। और इसमें हम रोज प्रवासी जो शेल्टर होम में रह रहे हैं इनको लगभग 200 से 250 लोगों को हम प्रतिदिन नाश्ता